हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील कुमार पांडे और आप सभी का स्वागत है इस किचन में। किचन के थ्रू हम एक कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं और वो कॉन्सेप्ट ये है कि आप सभी को पता होगा कि किसी भी सेल को जिंदा रहने के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए होता है। और आप लोगों को पता होगा कि जो दुनिया में सबसे बड़ा एक सेल जो हम कह सकते हैं वो शुतुरमुर्ग का अंडा है, ऑस्ट्रिच का एग। यहाँ मेरे पास अभी मुर्गी का अंडा है फिलहाल, तो इसमें मैं आपको दिखाऊं कि ये भी एक सिंगल सेल है, तो एक ही सेल है इसके अंदर। आपको थोड़ा लग रहा होगा कि इसके अंदर जो कवरिंग है उसकी वजह से ऑक्सीजन इसको तो मिल ही नहीं रहा होगा, तो फिर अंदर का जो सेल है वो जिंदा कैसे रह रहा है। आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि ये जो कैल्शियम का जो कवरिंग है इसमें भी बारीक बिल्कुल छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे कि हवा का आना जाना होता रहता है, मतलब ऑक्सीजन इसके अंदर चला जाता है। आप इसके अंदर होल है छोटा मोटा, बिल्कुल बारीक छोटे छोटे इसके अंदर छिद्र हैं। इसको मैं समझाने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए आप लोगों के सामने संडे के ऊपर मैं पानी डालूंगा, और जब पानी डालूंगा तो आपको एक बुलबुला, उससे बुलबुला निकलता हुआ दिखेगा। तो आप एक बार इस पे प्रेशर कुकर के अंदर इन अंडों के ऊपर आप एक बार जरा फोकस करिए। हाँ, अब मैं इसमें गर्म पानी डाल रहा हूँ। गर्म पानी डालने के बाद आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ बुलबुले नजर आएंगे, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, और ये गर्म पानी डालने के बाद ये बुलबुले उठते से आपको दिखाई देंगे। ये देखिए कि यहाँ पे बुलबुला देखिए, थोड़ा जूम करके आप दिखाएं प्लीज। ये आप अगर ध्यान से देखेंगे, हाँ अगर आप जूम करें थोड़ा, तो आपको ये इसमें बुलबुले, ये देखिए यहाँ पे बुलबुला देखिए थोड़ा। ठीक है, ये देखिए बुलबुला आ रहा है, ये यहाँ पे आप जूम करिए। तो हर एक अंडे से थोड़ा थोड़ा ये बुलबुला जरूर निकलता है, इससे पता चलता है कि इसके अंदर, ये देखिए मैं झाग को थोड़ा सा साइड कर दूँ अगर, तो आपको देखिए इस अंडे में, देखिए हर एक अंडे में आपको थोड़ा थोड़ा कहीं से ना कहीं से ये बुलबुला सा निकलता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि अभी ये यहाँ से ये दिखाई दे रहा है इसमें, ये देखिए ध्यान से। तो इसका मतलब है कि इसमें होल है, और होल होने की वजह से ही ये पानी अंदर गया और अंदर की जो हवा है वो बाहर निकलने लगी, जिसकी वजह से ये बुलबुले बने। देखिए उसी एक्सपेरिमेंट को मैं बोला, पूरा भरिए, पूरा भर दो, यही देखिए बुलबुले, देखिए आपको दिखाई देगा कि कहाँ कहाँ से इसमें ये बुलबुले आ रहे हैं, जैसे साइकिल में पंक्चर होने के बाद बुलबुले बनते हैं ना वैसे। तो ये अंडे के अंदर हवा है, हवा का आना जाना लगा रहता है, देखिए ये बुलबुले इसीलिए बन रहे हैं। इससे ये प्रूव होता है कि छोटे छोटे छेद इसमें होते, देखिए कितना बुलबुला निकल रहा है, इसी के अंदर से बुलबुले निकल रहे हैं ये। इससे ये प्रूव होता है कि छेद होते हैं छोटे छोटे अंडे के कवरिंग के ऊपर से भी, ताकि हवा का आना जाना लगा रहे और अंदर के सेल को वो जिंदा रख सके ऑक्सीजन। देखिए ये देखिए आप ध्यान से देखिए कितना बुलबुला वो निकल रहा है, ठीक है। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि हम बच्चों को किचन में भी बता सकते हैं। तो इसी ये प्रूव होता है कि अंडे का जो कवरिंग है वो कैल्शियम का बना होता है, और उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे कि ऑक्सीजन आता जाता रहता है और अंदर के सेल को जिंदा रखता है। थैंक यू।